हरिओम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फ्री स्टडी बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल में। मैं कृपाल लोधी। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं ज्योग्राफी जीके से रिलेटिव एक टॉपिक, जिसमें हम आपको बताएंगे भारत की मानक समय रेखा के बारे में कि ये कितने राज्यों से गुजरती है या इसका निर्धारण कहाँ से होता है, और भी महत्वपूर्ण फैक्ट जो एग्जाम रिलेटिव हैं, एग्जाम में हमने पेपर्स में देखा है यहीं से केवल प्रश्न पूछे जाते हैं। और स्टूडेंट्स, हर एक एग्जाम में लगभग एक प्रश्न आने के चांस होते ही हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ में दोस्तों, यदि आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। स्टूडेंट्स, आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट लेवल की हो चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो, यहां से एक प्रश्न आना तय होता है। इस वीडियो में यदि आप हमारे साथ अंत तक बने रहते हैं तो निश्चित रूप से आपसे ये सभी के सभी प्रश्न आसानी से बन रहे होंगे। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ एक हम आपको बताना चाह रहे हैं आज भारत की मानक समय रेखा इन पांच राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी हमने यहाँ पर ट्रिक लिख रखी है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये मानक रेखा क्या कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, हर एक देश की जो होती है अलग अलग मानक रेखा होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग मानक रेखा होती है। आज हम उसी के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मानक रेखा होती है उसे हम कहते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम इसको कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है GMT का, ग्रीनविच मीन टाइम, या फिर हम इसको कहते हैं ग्रीनविच माध्य टाइम। तो इसका जो निर्धारण होता है GMT का, ये इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान पर उपस्थित एक वेधशाला से होता है। एक चीज आप समझ गए होंगे, कभी आपसे प्रश्न आ जाए कि GMT का निर्धारण कहां से होता है, तो इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान पर जो वेधशाला है वहां से GMT का निर्धारण होता है। इसको हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं, जिससे समय का निर्धारण होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं कि भारत की जो मानक समय रेखा है, एक चीज और समझना आप, मानक समय रेखा जो भारत की है, देखो अंतरराष्ट्रीय को हम कहते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, और स्टूडेंट्स भारत की जो मानक समय रेखा है इसे हम कहते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मतलब भारतीय मानक समय। तो यहां से आप एक चीज और समझ लो कि भारतीय मानक समय मतलब IST की स्थापना कब हुई थी। तो IST की स्थापना हुई थी सितंबर 1947 को। ठीक है, अलग अलग देशों में ये स्थापना, जब देशों ने स्वीकार की इसको, तो अलग अलग देशों की स्थापना का सन अलग अलग है, हमें उतना सब नहीं पढ़ना है। IST की स्थापना भारत में कब हुई, तो ये हुई सितंबर 1947 को। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि भारत की जो मानक समय रेखा है इसका निर्धारण कहां से होता है। तो भारत में 82.5 अंश पूर्वी देशांतर जो है, भारत में 82.5 अंश, कई कई बार यहां लिखा होता है 82 सही 1/2, 82 कंप्लीट 1/2 डिग्री या अंश यहां पर लिखा होता है। तो भारत में 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय कहा जाता है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत में मानक समय रेखा को क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखो आप, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है। और स्टूडेंट्स, ये जो रेखा है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर, ये उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से गुजरती है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से गुजरती है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा। और स्टूडेंट्स, भारत का जो मानक समय है, कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि 82.5 अंश पूर्वी देशांतर क्यों कहते हैं। तो भारत का जो मानक समय है ये ग्रीनविच मीन टाइम से 82.5 अंश पूरब में है। कहां है स्टूडेंट्स, 82.5 अंश पूरब में है भारत का मानक समय GMT से, इसलिए 82.5 अंश पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर कभी कभी प्रश्न आता है, यहां से कई कई बार प्रश्न आता है कि यूरोप में या GMT पर स्थित कोई देश है, यूरोपीय देश, और कह देते हैं कि वहां अभी यदि शाम के 5 बजे हैं तो भारत में कितने बज रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो ये यदि प्रश्न आता है, इसका रिवर्स भी संभव होता, भारत का टाइम दे देते हैं और यूरोपीय देशों का टाइम पूछ लेते हैं कि वहां कितना बज रहा होगा। ठीक है, मतलब भारत का समय देके वहां का टाइम पूछ लेते हैं, या वहां का समय देके जो यूरोपीय देश है वहां का समय देके और अपने यहां का टाइम पूछ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि हमारा जो मानक समय है ये GMT से 5.5 घंटे आगे है। वैसे ही भारत बहुत से कामों में आगे ही रहता है अन्य देशों से, तो ऐसे हमें याद रखना है कि भारत जो है ये GMT पर स्थित जो भी देश है उनसे
समय भारत का 5.5 घंटे आगे है। मतलब यदि वो कह दें कि जीएमटी पर स्थित कोई देश है वहां शाम के 5 बजे हैं, तो अपना जो समय है जी 5.5 घंटे आगे, मतलब अपने यहाँ रात के 10:30 बज रहे होंगे। ऐसे प्रश्न स्टूडेंट्स भूगोल में या ज्योग्राफी में पूछे जाते हैं, कभी हम बता देंगे। आज हमारा ये उद्देश्य नहीं था इसको समझाने का, अब हम आपको बता देते हैं। कई कई बार स्टूडेंट्स यहां से प्रश्न आता है कि भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना है भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट स्टूडेंट, भारत की मानक समय रेखा जो है IST ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी हमने एक ट्रिक भी बना रखी है स्टूडेंट्स, वो ट्रिक क्या है, अंधे की छतरी MP UP से उड़ी, या अपन कह सकते हैं कोई व्यक्ति था अंधा था, उसको छतरी हाथ में लिए था, हवा चली उसे समझ में नहीं आई तो अंधे की छतरी MP UP में उड़ी, ऐसा भी हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ अंधे से होगा भारत की मानक समय रेखा जो है, ठीक है, ये अंधे मतलब आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है, अंधे से बनेगा आंध्र प्रदेश। यहाँ पर छतरी लिखा स्टूडेंट, छतरी से बनेगा छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, फिर यहाँ MP से बनेगा मध्य प्रदेश से गुजरती है, फिर यहाँ UP से उत्तर प्रदेश से गुजरती है, और स्टूडेंट से या मैं ये साइलेंट है, और उड़ी से बनेगा उड़ीसा। तो स्टूडेंट्स आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, इन 5 राज्यों से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है स्टूडेंट्स। यहां से प्रश्न कैसे आता है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो हम याद रखेंगे 5 राज्यों से होकर गुजरती है। या कभी कभी प्रश्न आता है कि इनमें से निम्न में से किस राज्य से होकर भारत की मानक समय रेखा गुजरती है, तो भी आप ये प्रश्न कर सकते हैं। या कभी कभी प्रश्न आता है कि निम्न में से किस राज्य से होकर भारत की मानक समय रेखा नहीं गुजरती है, तो भी आप इन 5 राज्यों को याद रखें स्टूडेंट्स। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, आप लाइक भी करें स्टूडेंट्स, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।